श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भाई रब्बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल बसंत पंचमी है यानी माँ सरस्वती का दिन। बहुत सारे चैट्स और कमेंट्स में आप लोगों ने बोला कि सरस्वती पूजा का विधान बताइए, तो मैं आज जो पूर्ण पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूर्ण पूजा विधान, और जो लोग सिर्फ माँ का मंत्र जाप करना चाहते हैं पंच पूजा करके, उनको उसका विधान बताऊँगा। जो लोग पूर्ण पूजा करना चाहते हैं उनको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे अगरु की आवश्यकता होगी, कपूर की आवश्यकता होगी, कच्चे चावल की आवश्यकता होगी, धूप दीप नवेद फूल है ना, और चंदन, इन चीजों की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले खुद को पवित्र कर लेना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा, इस मंत्र से। फिर तिलक लगा लेंगे, आचमन कर लेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ठीक है, ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसका संकल्प लेंगे कि हे माँ सरस्वती, विद्या आर्जन के लिए मैं आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर एक हाथ में फूल लेंगे और फिर एक स्थान पर रखेंगे, जैसे आपने अगर तस्वीर या मूर्ति कुछ भी रखी है तो उसके सामने रखेंगे। उसके बाद बोलेंगे आगच्छ त्वम महादेवी स्थाने चत्र स्थिता भवत, यत्र पूज्यम करिष्यामि तत्र त्वं सन्निधो भवः। उसके बाद हाथ में पुष्प लेंगे और चढ़ाएंगे, श्री जगदम्बा सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती आवाहनयामि आवाहनयामि आवाहन्यते पुष्पांजलि समर्पयामि। तो पुष्प देके पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। फिर ओम जगदम्बा सरस्वती देव्यै नमः स्थान आरते पुष्पानी समर्पयामी, तो फिर एक पुष्प रखेंगे कि ये स्थान पर आप विराजमान हो जाओ। ठीक है, इसके बाद इसी मंत्र से सिर्फ अंत के शब्द चेंज होंगे, जल लेंगे और माँ को उस फूल पे चढ़ाएंगे और पादियो पदम समर्पयामी, पदियो पदम समर्पयामी। ठीक है, फिर अर्ग, अर्ग क्या होता है कि एक तांबे के बर्तन में चंदन पुष्प और कच्चा चावल डालते हैं, उसको अर्ग बोलते हैं। तो उसमें बोलेंगे हस्तयो अर्गयम समर्पयामी। ठीक है, फिर आचमनी, आचमनी किसको कहते हैं, जब कपूर और जल को मिलाते हैं तो उसको आचमनी कहते हैं, तो आचमन्यम समर्पयामी। फिर गंगा जल समर्पित करते हैं, तो स्नानार्थे गंगा जलम समर्पयामी, मतलब स्नान करने के लिए आपको गंगा जल मैं समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या, एक चम्मच दूध डालेंगे उस पुष्प पे, दुग्धम स्नानम समर्पयामी, फिर दही डालेंगे, दही स्नानम समर्पयामी, फिर घी डालेंगे, घृतम स्नानम समर्पयामी, फिर मधु डालेंगे, मधु स्नानम समर्पयामी, फिर शक्कर जो गुड़ होता है पाउडर वाला वो डालेंगे, शक्कर स्नानम समर्पयामी। फिर पंचामृत बनाएंगे, दूध दही गंगा जल और शक्कर और घी डाल करके, उसके बाद पंचामृत स्नानम समर्पयामी। फिर गंढोक बोलते हैं, क्या होता है तो अगरु आता है और चंदन आता है, दोनों को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं गंढोक, तो गंढोक स्नानम समर्पयामि। फिर अंत में गंगा जल देंगे, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ठीक है, फिर नॉर्मल पानी देंगे, आचमन्यम जमल जलम समर्पयामि। फिर भगवती को पुष्प अर्पित कर देना, मतलब वस्तोपा वस्त्रम समर्पयामि। फिर चंदन लगाना माँ को, फिर हरिद्र चूर्ण लगाना, कुमकुम लगाना, काजल समर्पित करना, इतना कर लेंगे। उसके बाद मेन जाप पे आ जाएंगे। जाप से पहले जो पंच पूजा है कि ओम जगदम्बा सरस्वती नमः धूपम गृह्यापि, तो इसमें धूप दिखाएंगे। फिर दीपम दृश्यामि, फिर नवेद्यम निवेद्यामि, तो नवेद में भगवती को फल काट के बेर का फल जरूर दिया जाता है, उसके बाद बुंदिया दिया जाता है। ठीक है, ये सब चढ़ाना है। उसके बाद नैवेद्यम निवेद्यामि, उसके बाद ऋतु फल तांबू फल, और अंत में दक्षिणा, इतना करके और फिर पूजा का आरंभ करेंगे। तो जाप क्या क्या है भगवती का, भगवती का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो पहले भगवती को प्रणाम करते हैं। किस मंत्र से प्रणाम करते हैं, सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांग देही नमोस्तुते, एषो सह चंदन पुष्प बिल्व पत्र पत्रांजलि नमो सरस्वती देव्यै नमः। ऐसा बोल के प्रणाम करके
उसके बाद अलग अलग मंत्र है माँ भगवती देवी सरस्वती का, उसका आप जाप कर सकते हैं। सबसे जो सरल मंत्र है माँ का, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई में ऐं का है, तो आप ऐं का जाप कर सकते हो। ऐं को जब आप जाप करेंगे तो आप बोलेंगे आयम आयम अयम आयम, ठीक है, आयम आयम, ऐसे आप इनका जाप कर सकते हैं 108 बार, 1008 बार, जो भी आपको मन हो। दूसरा जो मंत्र का जाप होता है माँ का, जो सबसे सरल मंत्र है, वो है ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं, ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः, ठीक है। ये दोनों मंत्र बहुत प्रभावशाली है, और ये कल अगर शुरुआत करते तो जीवन भर आप इसको इसका उच्चारण कर सकते हैं। तीसरा जो सरस्वती का मंत्र है, वो भी माँ का बीज है, और मंत्र बीज हैम। ये बीज जल्दी मिलता नहीं है, ये बीज लोग बताते नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत प्रभावकारी बीज है माँ का। क्या मंत्र है? मंत्र हैम। इसको हैम भी पढ़ सकते हैं, हैन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सिंगुलर इसको पढ़ते हैं, जब सिंगल वर्ड पढ़ते हैं, तो इसको हैम पढ़ा जाता है। इसी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीः महा मायाग्ने महा सरस्वती नमः। ओम ह्रीः, ओम ह्रीः महा 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 मायाग्ने महा सरस्वती नमः, ठीक है। तो ये सारे मंत्र हैं जिससे कि आप भगवती का जाप कर सकते हैं। जब उसी में अगर किसी को बहुत मन है कि बहुत कुछ बड़ा बहुत तगड़ा मंत्र का जाप करे, तो बुद्धिस्ट तंत्र में एक मंत्र आता है ओम पिचु पिचु प्रजना वरधानी ज्वाला ज्वाला मेधा वरधानी धीरी धीरी बुद्धि वरधानी स्वाहा। क्या? ओम पिचु पिचु प्रजना वरधानी ज्वाला ज्वाला मेधा वरधानी धीरी धीरी बुद्धि वरधानी स्वाहा। ये मंत्र भी बहुत कारगर होता है। और इन सब के बाद तो हमारा नील सरस्वती का मंत्र, नील तारा का मंत्र आप लोगों को कई बार दिया है। क्या है मंत्र? मंत्र है ऐं ओं ह्रीं नील ताराय क्लीं हूं फट, ठीक है। तो इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। तो ये कई एक मंत्र हैं जो शुरुआत में विधान बताया, उसमें जितना भी आप जो भी समर्पित करेंगे उसमें जरूर से श्री जगदम्बा सरस्वती देवी नमः ये जरूर आप लगाएंगे, ठीक है। इसको करने के बाद कोशिश ये करना है कि पूरे साल अगर आपका धनार्जन का स्रोत भगवती सरस्वती से है, तो सब आप लोग सिर्फ सरस्वती पूजा नहीं, बल्कि साल भर भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे भी जितने बिजनेसमैन हैं, जो भी अध्ययन का कार्य करते हैं, सबको ये समझना चाहिए कि कोई भी कार्य इस पृथ्वी पर बुद्धि से ही चलता है, और बुद्धि से चलने के कारण सरस्वती की पूजा, जैसे लक्ष्मी, देखो जो सनातन धर्म में हमेशा गणपति की मतलब शुरुआत, और उसके बाद बुद्धि सरस्वती, और उसके बाद लक्ष्मी मतलब धनार्जन माया, तीनों को एक साथ रख के पूजा करने का विधान बताया। लेकिन हम लोग क्योंकि लालची होते हैं प्रवृत्ति के, तो गणपति की मजबूरी में पूजा करते हैं क्योंकि शुभारंभ उसी से होता है, और लक्ष्मी की पूजा सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो मिसिंग लिंक है वो है सरस्वती। तो सरस्वती की पूजा साल भर करनी चाहिए, ठीक है। जिनको अपने बच्चों के लिए ये सिद्धि करनी है, वो सामने में एक 6 मुखी रुद्राक्ष रख के पूजा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431188585, इसमें पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए वाल्मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा। उस पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ज्ञान अर्जन के लिए www.अघोरतंत्ररहस्य.com मेरा वेबसाइट है। इसमें नए नए आर्टिकल्स अभी आने वाले हैं, आप लोग खुद पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती आप लोगों को विद्यावान बनाना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अला।